नमस्कार। आज मैं आपको एक अलग ही तरह का पेशेंट जो हमने अभी रिसेंटली उनका इलाज किया है, ये हैं पोलियो के पेशेंट रघुवर सिंह जी, जिनमें एक पैर पोलियो की वजह से विकलांग हो गया। पैर की ताकत जब मांसपेशियों की नहीं होती पोलियोटिक लिम्ब में, तो दूसरे पैर को सामान्य से ज़्यादा वजन सहन करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं प्री शिफ्टिंग ऑफ द लोड। अगर पेशेंट का वो दूसरा वाला पैर कमज़ोर है या वहाँ पर दर्द होता है कभी कभी, तो उस उधर वो पेशेंट कम वजन लेता है और जल्दी ही जो उसका साउंड लिम्ब है, जो उसका सही पैर है, उस पर वजन शिफ्ट कर देता है। इसको बोलते हैं प्री शिफ्टिंग ऑफ द लोड। इसकी वजह से उस घुटने की जो कि नॉर्मल है उसकी घिसावट या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है और उस पैर पे डेढ़ गुना वजन आता है, जिससे वो घुटना जल्दी और ज़्यादा घिस जाता है। मैं रघुवर सिंह, मथुरा गोवर्धन के पास एक छोटा सा गांव द्रावली है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली प्रशासन या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मैं लगातार 10-15 साल से पोलियो, मेरा पैर एक पोलियो से खराब था, दूसरा पैर जो सही था वो लेफ्ट, लेकिन उसमें भी बहुत सारा गैप बन गया था। एक ही उस पर पैर पर वजन होने के कारण वो पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो मुझे कई बार लोगों ने सलाह भी दी कि डॉक्टर से मिलिए, तो मैं मिलता रहा लगातार, सफदरजंग भी गया था और डॉक्टरों से भी सब परामर्श लिया था। उसके बाद मैं यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल आया, तो मैं 14 दिसंबर 2022 को डॉक्टर आशुतोष और उनकी टीम के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। रघुवर सिंह जी ऐसे ही एक क्रिपल्ड पेशेंट थे, जो दूसरे घुटने का बहुत ज़्यादा दर्द और डिफॉर्मिटी लेके आए थे। वो पहले से ही परेशान थे क्योंकि उनका दूसरा पैर पूरा काम नहीं कर रहा था। जो एक पैर उनके पास सही सलामत था, उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। वो दिल्ली में सर्विस करते थे, रिटायर हो चुके थे। उन्होंने बहुत जगह परामर्श लिया, बहुत सारे लोग उस पैर को उतना बदलने में हिचकिचाहट थी उनको। जब उन्होंने मेट्रो में हमारे पास आए, हमने उनका सही एनालिसिस किया, उनका वर्कअप किया और उनका उस घुटने का ऑपरेशन किया जो सही था, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से काफ़ी घिस चुका था। उन्होंने कहा कि अब कोई इलाज नहीं इसका, यही है कि आप घुटना चेंज करा दो। अब घुटना चेंज कराने की जब बात आई, तो मैं डरता था कि घुटना है, किस तरह से ये काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या पता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन आश्रित हो जाए, और आश्रित रहना तो बड़ी कठिनाई का मैं ऐसा जीवन समझ रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, पैर बिल्कुल आपका पहले से बहुत बढ़िया हो जाएगा। 16 दिसंबर 2022 को मैं फिर एडमिट हो गया, उन्होंने उसी दिन ऑपरेशन कर दिया। अब उस पैर का सफल ऑपरेशन होने के बाद लगभग महीना हुआ है, अभी एक महीने बाद आप देखेंगे कि वो बिना किसी दर्द के पूरा घुटना मोड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से चल पा रहे हैं और पहले से ज़्यादा खुश हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं उन्होंने मुझे वैसे भी बताई थी और मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब का, खूब पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।